ये कैसे उठाऊंगा? बेरोजगारी का इशू, हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़े लिखे, सबसे बड़ी समस्या नौजवान बच्चों के लिए। हमने कहा है पहले भी कि जो आसामियां खाली हैं उनको तेजी से भरिए। आपके सामने 1200 इंस्पेक्टर की पोस्टें निकाली हैं, उसमें एग्जाम भी हो गया, बाकी क्लास 4 की भी पोस्टें निकली हैं, उसमें भी एग्जाम हो रहा है, क्योंकि ये मैं समझता हूं नाकाफी, इसको और तेजी से करने की जरूरत है। हम ये मामला भी उठाएंगे कि किसी ना किसी तरीके से ये बॉर्डर भर्ती भी जो है ये भी हो, और बाकी के हमारे कंडी इलाके के लिए भी कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि भारत माता की नरेंद्र भाई मोदी चल रहा है कि पंचायत वाइज में हर गांव में जा रहा हूँ, लोगों तक पहुंचाने का काम मैंने शुरू किया है, चाहे वो सांबा हो, नड हो, सुम हो, आपका रामगढ़ का एरिया हो, आपका भारी बरोड़ी हो, राया सचानी हो, या आज मीन सरकार भी चाड़ता हो, तो इन जगहों पे मैं आके जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब के प्रोग्राम हैं उनके बारे में लोगों को इस काम के बारे में बता रहा हूँ, और पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहा हूँ, ताकि सब लोग जो है हमारे जो पुराने साथी नए साथी सब एकजुट होकर जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मजबूत करें। असलाती साहब, एक अहम सवाल रहेगा क्योंकि लगातार कई सारे लोग जो है आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हो, उनके पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस आने वाले विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देगी आम आदमी पार्टी। देखिए क्या लगता है? मेरा इस पर अलावा जना ये सरकार साहब उन्होंने देखिए कौन पार्टी क्या पार्टी मुझे कोई इलम नहीं है, वो क्या कहना चाहती है क्या नहीं कहना चाहती है, ये समझवाद खाने वाले बड़े लोग आएंगे, बड़ी पार्टीज आएंगी, बड़े लोग आएंगे, यहाँ कुछ होने वाला नहीं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के साथ लोग हैं, उन्हीं के साथ हैं, उनके साथ हैं। सर जिस तरह से पूछता है वो तो टोपी पहने, उसमें मैं किसी को क्या रोक सकता हूँ कि कौन टोपी पहने या ना पहने। सर एक बार हमने पहले वाली बात क्या है कि पंजाब का जो है मिट्टी और है, पंजाब का पानी और है, ये जम्मू कश्मीर रियासत है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बड़ी ऐसी परेशानियां हैं, बड़े मसले हैं, इस मसलों को कोई ऐसी पार्टी जो है वो हल नहीं कर सकती मास वाइज।